अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे ऑल चेयर्स नेम्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। सो आज का पहला वर्ड है पहियों वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हील चेयर। व्हील चेयर मीन्स पहियों वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऊंची कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाई चेयर। हाई चेयर मीन्स ऊंची कुर्सी। ये बच्चों को बिठाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तहत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोन। थ्रोन मीन्स तहत। ये बादशाह के बैठने के लिए होती है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डोलती हुई कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मीन्स डोलती हुई कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गेंद कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाल चेयर। बाल चेयर मीन्स गेंद कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बाजुओं वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्म चेयर। आर्म चेयर मीन्स बाजुओं वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अर्शा कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेक चेयर। डेक चेयर मीन्स अर्शा कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज घूमने वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्विवल चेयर। स्विवल चेयर मीन्स घूमने वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सहारे वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैंटिलीवर चेयर। कैंटिलीवर चेयर मीन्स सहारे वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लटकने वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंगिंग चेयर। हैंगिंग चेयर मीन्स लटकने वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सीढ़ी वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैडर बैक चेयर। लैडर बैक चेयर मीन्स सीढ़ी वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हदायतकार की कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर चेयर्स। डायरेक्टर चेयर्स मीन्स हदायतकार की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रन रैक कुर्सी, इसे इंग्लिश में भी एड्रन रैक चेयर कहते हैं। ये वो लकड़ी की कुर्सी है जो लान में रखी जाती है और जिसकी पुश्त ऊंची होती है, बाजू चौड़े होते हैं और एक निशिस्त जो सामने से पीछे की तरफ कम होती है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अंडा कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग चेयर। एग चेयर मीन्स अंडा कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बीन बैग कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बीन बैग चेयर। बीन बैग चेयर मीन्स बीन बैग कुर्सी। एक बड़ी नरम फ्रेमलेस कुर्सी जो बीन बैग से मुशाबत रखती है, आमतौर पर कपड़ों जैसे प्लास्टिक का होल, प्लास्टिक के चिप्स से भरा हुआ, जो खुद को आसानी से मकीन की शक्ल में डाल देता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नाई की कुर्सी, इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर चेयर। बार्बर चेयर मीन्स नाई की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विंडसर कुर्सी, इस इंग्लिश में बोलते हैं विंडसर चेयर। विंडसर चेयर मीन्स विंडसर कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्लब की कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लब चेयर। क्लब चेयर मीन्स क्लब की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पीढ़ी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूल। स्टूल मीन्स पीढ़ी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूलप कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूलप चेयर। ट्यूलप चेयर मीन्स ट्यूलप कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लिपटी हुई कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्लाइनर। रेक्लाइनर मीन्स लिपटी हुई कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज साइड कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइड चेयर। एक कुर्सी जो बगैर बाजुओं के आम तौर पर खाने के कमरे में इस्तेमाल होती है, उसे साइड चेयर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आराम करने वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाउंज चेयर। लाउंज चेयर मीन्स आराम करने वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बच्चा गाड़ी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पुश चेयर। पुश चेयर मीन्स बच्चा गाड़ी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सोफा, इसे इंग्लिश में भी सोफा ही कहते हैं। ये कमर के साथ और आमतौर पर बाजुओं के साथ एक लंबी आरामदायक नशिस्त जिस पर दो या तीन लोग बैठ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विश बोन कुर्सी, इसे इंग्लिश में विश बोन चेयर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पार्क की बेंच, इंग्लिश में बोलते हैं पार्क बेंच। पार्क बेंच मीन्स पार्क की बेंच। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मेहमान वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विजिटर चेयर। विजिटर चेयर मीन्स मेहमान वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चाय वाली कुर्सी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैफे चेयर। कैफे चेयर मीन्स चाय वाली कुर्सी।
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्राह्मिनी कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर। एग्जीक्यूटिव चेयर मीन्स ब्राह्मिनी कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दो लोगों की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लव सीट। लव सीट मीन्स दो लोगों की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सोफे की छोटी कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेटी। सेटी मीन्स सोफे की छोटी कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मालिश की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मसाज चेयर। मसाज चेयर मीन्स मालिश की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फफसान कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फफसान चेयर। फफसान चेयर मीन्स फफसान कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज काम की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टास्क चेयर। टास्क चेयर मीन्स काम की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपर कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपर चेयर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज परों वाली कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विंग बैक चेयर। विंग बैक चेयर मीन्स परों वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गेमिंग कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं गेमिंग चेयर। गेमिंग चेयर मीन्स गेमिंग कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लंबे पाँव की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शेज लाउंज। शेज लाउंज मीन्स लंबे पाँव की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बार स्टूल। इसे इंग्लिश में भी बार स्टूल ही कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मोड़ने वाली कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग चेयर। फोल्डिंग चेयर मीन्स मोड़ने वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दफ्तर की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर मीन्स दफ्तर की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दावत वाली कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइनिंग चेयर। डाइनिंग चेयर मीन्स दावत वाली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आम इस्तेमाल की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर चेयर। रेगुलर चेयर मीन्स आम इस्तेमाल की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बास की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बास चेयर। बास चेयर मीन्स बास की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तालब इलम की कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट चेयर। स्टूडेंट चेयर मीन्स तालब इलम की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सर्जन कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्जन चेयर। सर्जन चेयर मीन्स सर्जन कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दांतों की कुर्सी। इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल चेयर। डेंटल चेयर मीन्स दांतों की कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंतजार कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेटिंग चेयर। वेटिंग चेयर मीन्स इंतजार कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कटोरा कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोल चेयर। बोल चेयर मीन्स कटोरा कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हेयर वॉश कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेयर वॉश चेयर। हेयर वॉश चेयर मीन्स हेयर वॉश कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज तितली कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई चेयर। बटरफ्लाई चेयर मीन्स तितली कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हुप कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हुप चेयर। हुप चेयर मीन्स हुप कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नेस्टिंग कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेस्टिंग चेयर। नेस्टिंग चेयर मीन्स नेस्टिंग कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गोस्ट कुर्सी। इसे इंग्लिश में गोस्ट चेयर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिबन कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिबन चेयर। रिबन चेयर मीन्स रिबन कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैडल कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैडल चेयर। सैडल चेयर मीन्स सैडल कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रेंस कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्रेंस चेयर। कॉन्फ्रेंस चेयर मीन्स कॉन्फ्रेंस कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पोर्ट कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्ड चेयर। फॉर्ड चेयर मीन्स पोर्ट कुर्सी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लिहाफ कुर्सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट चेयर। क्विल्ट चेयर मीन्स लिहाफ कुर्सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, subscribe and share my channel. We'll see you in the next video.